कोई बात हो गई, सही बात ये आप ये पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है, आप मेरा मेरा निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो, किसी विषय पर वो कह रहे हैं हम सहमत नहीं है इससे, नहीं है तो हॉस्पिटल लाल जी से कह दो आप, आ जाओ आ जाओ, आप क्या नई चीज चला रहे हो? नहीं हम नहीं चला रहे, मतलब कि जो लोग आपके पास आए कह रहे हैं कि हम न्यायिक जांच के अलावा कौन है, कोई भी समुदाय की जांच की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा बोल रहा है बुलाओ, आपने जिनको कुर्सी पे बिठाया था ना वो अभी बोल रहे हैं कि न्यायिक जांच, अरे इधर आओ ना, ए इधर आओ, न्यायिक जांच हो रही है, इन्होंने न्यायिक जांच, वो गांव वाले ये भी नहीं समझते न्यायिक जांच क्या होती है, कमिश्नर की जांच क्या होती है, उनको अता पता ही नहीं, आप क्यों उकसा रहे हो उनको? नहीं उकसा नहीं रहे सर, सवाल तो है कि लोग तो ज्ञापन लेके आपके पास ये आ रहे हैं, आपके सामने ही बोल रहे हैं ना, तो अभी बोल रहे सर, वो इसलिए क्या बोल रहे हैं, उन्हें लगता है कि न्यायिक जांच जो होगी निष्पक्ष होगी, उससे न्यायिक जांच में 4 साल लग जाएंगे और कमिश्नर की जाँच 6 महीने में हो जाएगी, अगर वो भी चाहेंगे तो हम मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, क्यों तुम चाहते हो न्यायिक, क्या यार बात करते हो, क्या है ये नई चीज छेड़ रहे हो, ये तो अब आप जो कांग्रेस के लोग हैं या बाकी का आंदोलन करने आ रहे हैं वो डलवा देंगे, गहलोत के राज में कितने डले ISIPS जेलों में, पूछ लो आप इनको चला दो ना, ये डलवा देंगे, क्या कौन बोला ये, नाम से जो मांग हमने मान लिया ना वो सारी मांग पूरी होंगी, लेकिन बदल बदल के जो बयान दे रहे हो ना शंकर, वो हमने जोर दिया आप पे, हमने जोड़ दिया ना, जब बोली थी सारी बात मानो पूरी करी ली, उसको ला ना बुला के कलेक्टर को गिरफ्तार करो, SP को गिरफ्तार करो, देखो मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री के नहीं जाऊंगा, आप उन मंत्रियों के साथ चले जाओ, नहीं करे क्या होता है, मीडिया में चल गई वो सारी चीजें, आपने अंदर क्यों नहीं कही कलेक्टर गिरफ्तार होना चाहिए, तो आप पहले क्यों पकड़े उस बात को कि कलेक्टर गिरफ्तार होना चाहिए, SP गिरफ्तार होना चाहिए, कोई करा दे उनके पास जाओ ना, गहलोत डोटासरा पायलट के पास जाओ ना, करा दे, आपके साथ क्या होता, नीचे उतरो अपना बयान सही करो, नीचे जाओ, एक बार नीचे जिन्होंने बोला है शंकर जी का है, उनको बुलाओ, अरे बाहर बुला लो यार, अब आराम से यहीं रुक जाओ, यहीं आप ये बताओ, ए भाई तू उधर चल, उधर आओ, अरे तो रुको, अरे तो दो यार, अरे इन्होंने दिए, उधर जाओ यार, डॉक्टर साहब इन्होंने दिए, ए भाई देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, ए भाई आपकी बात में सहमत है, आप करें जो सहमत है, ना ना सुनो न्याय सुन लो आप, देखो दूसरी बात मुड़ेगी, यहाँ बात ये मुड़ेगी कि हम आपने दबाव डाला के हमने बयान दिलाए, नहीं 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 दबाव की बयान नहीं, दबाव आप सुनो, आपने ये कहा, आपने ये कहा कि निर्दोष नहीं पकड़ा जाए, हमने कहा निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे, सही नहीं पड़ेगा, क्यों भाई रामबिलास जी, सही बात, आपने ये कहा था जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, हमने हाँ कर लिया, हमने कोई दबाव नहीं डाला, आपने ये कहा हमारा गाँव उन्हें आराम लगना चाहिए, हमने कहा उन्हें आराम लग जाए, आप मैंने ये कहा था कि इसकी संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे, इसलिए कि न्यायिक जांच में लंबा समय लगेगा, सही बात, जो आपने भीतर हाँ किया था, तो आप बाद में बदल क्यों रहे हो मेरे भाई, अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, आप मीन भगवान को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, हमने कोई दबाव दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया दबाव, नहीं दिया, गांव वालों की जो भी मांग रखी है आपने स्वीकार की है, और सम्मान दे तुम्हारी स्वीकार की है, सही है, स्वीकार की है आपने, सब गांव वालों ने स्वीकार किए, वो जो मांग रखी है आपने पूरी की है,
आश्वासन दिया उसका बाहर चीज का देखो हमारा कति नहीं, इन्होंने जो बात रखी हम तीनों मंत्री पूरा अब ये कहे आपके किस आदमी ने कहा एसपी कलेक्टर को गिरफ्तार करो उसने बोला नहीं ये कह रहे हैं दोषी कोई भी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई भी हो उसको सजा मिलना चाहिए वो किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो कोई भी हो प्रशासनिक अधिकारी भी अगर गलती कर रहा है तो न्याय जांच के लिए बोला था ना न्याय और समन जाते हम नहीं जानते हम गांव वाले होते हम क्या जाने न्याय जांच के लिए तो बोला था सर न्याय क्लास जांच के लिए बोला था न्याय जांच हम क्या जाने जांच संभागीय आयुक्त से करवाएंगे साहब सही बात है भाई मेरे भाई गांव के सुन लो आप ए दो मिनट और आपसे प्रार्थना है बड़ी इन्होंने जो कहा है मैंने बात दोनों मंत्रियों के सामने रख दी अब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा रखने की फिर भी मुख्यमंत्री जी से उनको मिलाने ले जा रहे हैं और ये कोई और बात कहेंगे तो और भी मुख्यमंत्री जी को हम तैयार करेंगे लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि हमारा किसी प्रकार का तीनों मंत्री का दबाव नहीं था इन पे कतई नहीं था न हमने इनको गुमराह किया न हमने इनको बहकाया हमने ये जो कोई बात किसी ने कही है अब ये गाँव का आदमी जानता नहीं बेचारा कि जुडिशियल इंक्वायरी में कितना टाइम लगेगा संभागीय आयुक्त में कितना लगेगा इसलिए संभागीय आयुक्त की इंक्वायरी हमारे अंदर तय हुई थी और इन्होंने स्वीकार किया था और पूरी घटना की संभागीय आयुक्त स्तर के व्यक्ति से जांच कराई जाएगी जांच में जो आ जाएगा दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निर्दोष जो पकड़ लिए हैं उनको छोड़ दिया है निर्दोष को पकड़ेंगे नहीं और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और केवल समरावता नहीं करीब 28 गांव में जो 80 किलोमीटर दूर जाके लग गए देवली में उनको उनियारा में लगाया जाएगा हाँ लगता तो ऐसा ही है जुडिशियल इंक्वायरी लंबी हो जाती वास्तव में मैंने भी कई वकीलों से पूछा था कि वो बहुत लंबी हो जाएगी और वास्तविकता संभागीय आयुक्त या किसी सीनियर अफसर की जांच से जल्दी सामने आ जाएगा अब ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रशासन भी हमारा हिस्सा है हम प्रशासन के हिस्से हैं मिलजुल के लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के काम होते हैं वो भी कभी जिम्मेदार पद पर पहुँचेंगे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं उसको उचित नहीं मानता चाहे वो मेरे को गाली दें